हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी भी मैं काजा में हूँ और आज हमारा लास्ट दिन है काजा में, तो हमने सोचा कि आज बाहर कुछ कुकिंग करते हैं, थोड़ा मज़ा करते हैं। और आप मुझे सोच रहे हो कि मैं इतनी ढकी हुई क्यों हूँ, बिकॉज ये देखो आप, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है यहाँ पे। तो अभी शाम होने आई है ना, तो काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने पूरा मफलर सर पे ले लिया, गर्दन पे ले लिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। कौन कर रहा है मेकअप? कौन कर रहा है? शक्ल नहीं देख रही हूँ अपनी, मैं व्लॉग बना रही हूँ। हाय दीदी। ये हमारा सामान है इधर, मैगी एंड हम सबका फेवरेट, कहाँ गया, चीज़ भी लेके आए हम। और ये बिस्किट हम रास्ते में इसलिए लाए थे, जैसे कोई पेट्स मिल जाते हैं, पेट्स तो क्या मतलब डॉग्स वगैरह, या किसी को देना हो तो उसके लिए। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू। और अब यहाँ पे ये बॉयज़ का चूल्हा है और गर्ल्स का इधर है। और हमारे मेन्यू में पता क्या बनने वाला है? मैगी, जिसके लिए रुबदी ने मुझे कहा था कि पानी बॉईल कर लेना। और ये रुबदी, पानी बॉईल हो चुका है। और अब जी जो मुझे स्टोव बंद करना नहीं आता है। अरे यार, स्पून कहाँ है? स्पून बंद करो। हाँ, वो जो कुकर वाला पैकेट था ना, उसमें रुबदी यहाँ पे पानी गिरेगा यार इसके अंदर। हाँ, कीप इट डाउन, हाथ पे भी मत गिराना, कीप इट रनिंग। एंड सेकंडली रहना, हाँ जी, जब तुमने कुछ रख दिया ना बीच में कुकिंग के लिए, हाँ, उसका टेलगेट मतलब पूरा डंग करके बंद नहीं, बट जस्ट कीप इट लाइक, अच्छा यहाँ पे ठीक है, तो तेरी हवा भी बच जाएगी और जल्दी कुक होगा। ठीक है, बस इसको, अच्छा वेट, इस पैकेट में रजत, इस वाले में। यार ये तो मुझे भी नहीं आता है, तो फिर ऑफ क्यों किया? वही तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ से देखो ना इसको, मे बी नहीं। तो एक बार मुझे बता दो कैसे ऑन करते हैं। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। ओके, इग्निशन के लिए पूरा एंड तक जाके। ठीक है जी, थैंक यू। उन्होंने से लगता बनाना शुरू भी कर दिया है। चलो रुक जी, जल्दी करो, मैंने सब निकाल के रख दिया है। यार राइट, या तुमने सिर्फ अपना कैमरा निकाला है, हटो। अच्छा, ये सारा सामान किसने निकाला? मैंने। वाओ, आई विश मैंने थोड़ी पहले वीडियो बनानी शुरू कर दी होती। तू अपने व्यूअर्स को झूठ बोल रही है। अच्छा, पहले आप जैकेट पहन लो फिर बात करो। रजत तुम भी जैकेट पहन सकते हो। क्या हुआ रजत? बेबी, विल यू हैव मैगी? क्या हुआ रजत? क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। Are you sure? कचरा। वहाँ बनाया डस्टबिन। Okay. इधर। हाँ। तो ठंड काफी हो गई है। पाना बोल रही हूँ, पानी ठंडा हो जाएगा रुक दी। नहीं। हम बनाएंगे चीज मैगी। मुझे भी देना। चाहिए। मैंने पहले ही बुक करा ली अपने लिए। फ्रीजिंग। ओके। एक लास्ट हैंड वॉश। हाँ। क्योंकि फिर एंड वी हैव गेस्ट। हल्दी लग जाएगी कहीं पे। वी हैव गेस्ट। तू करवा रही है ना? सर हमारी किचन कितनी अच्छी और ऑर्गेनाइज्ड है। प्याज टमाटर सब कटा है, मैगी हाथ में है जो कि बस 2 मिनट में फ्राई होने वाली है। अब देखते हैं सच में ये मैगी 2 मिनट वाली मैगी है या फिर आधे घंटे। हाथ ठंडे, प्लीज खोल दो। हाथ ही खोल दे। नहीं। अच्छा। हाँ। ठंडा तो है। थैंक यू। मसाले का बोल दो। हाँ। गो। यू कैन लीव नाउ। मेरा काम हो गया। सिज़र्स है ना? गिव मी द सिज़र्स। ओके। एंड गिव मी अ स्पैटुला।
यार मैं इतनी ऑर्गेनाइज रही हूँ ना इस ट्रिप में कि मैं क्या ही बताऊँ. मुझे एक एक चीज पता है कि कहाँ रखी है. लो टेक इट सिस्टर. थैंक यू सिस्टर, कीप इट हियर, नहीं तो वी विल फाइट. हम तो वैसे भी बिना किसी बात के भी लड़ सकते हैं, इसके लिए कैंची पकड़नी जरूरी थोड़ी है. गॉर्डन राम से बन रहा है, मेरा मतलब उनकी रेसिपी बन रही है, वो नहीं बन रहे बचिया. ओके हाथ जलेगा इसको. रेन दुख रही है, लहसुन वाले पैकेट में डाल दिया. ठीक है रजत, तुम लोग क्या बना रहे हो? गॉर्डन रामसे. मैगी नहीं डाली अभी? नहीं ना ना. See my cooking skills. जैकेट क्यों नहीं पहन लेते तुम? मुझे ठंड नहीं लगी है. तो क्यों कर रहे हो? गर्मी लग रही है. अच्छी खुशबू आ रही है. Come closer, see. So nice. My Maggie is world renowned. And also, Rubdi, can you please explain me कि इस कैसरोल का ढक्कन कहाँ है? वो मैंने किधर रुके थे अपन? हमने लास्ट जहाँ खाना बनाया था. ताबू से पहले कहाँ था? जहाँ पे भी रुके थे हम रिवर. ताबू से पहले रिवर साइड में बर्तन धोते समय वो रिवर में हादसा हो गया. चला गया और चला गया. ठीक है ठीक है ना. गया गया और मुझे भागे डैम तक भागे. हमारा बस चला क्योंकि मम्मी का बहुत प्यारा कैसरोल था वो. अब रुक दी, मम्मी को दिवाली गिफ्ट में डब्बे गिफ्ट देंगी. वाह. तो मम्मी का बहुत ही प्यारा कैसरोल हमने बहा दिया, विसर्जित कर दिया. यो मैन, क्या कर रहे हो तुम? क्या बोल रही थी मैं इतनी देर से? क्या तो मेरे को कोई ठंड नहीं थी पहले, अभी गर्मी लग रही है इसलिए पहन रहे हो. अब थोड़ी लग रही है तो पहन रहा हूँ. यार अभी ना हमको ये जगह उतनी अच्छी नहीं लगेगी, जब चले जाएंगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो में. एग्जैक्टली जब लास्ट टाइम भी थे. हाँ तो भी यही हुआ था. यही वाला पहन लो, फर वाला, ये गर्म होता है. हाँ ये यार, पर ये ऐसे कलरलेस क्यों बनी है? We did not watch color yet. Because I've not added any extra masala to it. Okay, but it smells really good. खुशबू. यार रूबी दी जो आपने एक बार चौपाल में खिलाई थी ना, मैं ना वैसी वो फ्लेवर नहीं भूल पाता. I swear. बस आज तू फिर से तुझे याद आया. फोटोग्राफर है रे ऐसे भी. ये मैंने उसके बाद रजत जा कर जा दी है. फोन की तरह मेरा पता नहीं. सर रिव्यू. या टैंगी, वेल कुक. मजा आ गया. हमको भी मिलेगी? नहीं. मैं तो चीज वाली खाऊंगा. हाँ तो कुछ चीज का लो रिव्यू के लिए चाहिए तुमको. लो वाओ वाओ. ये किसकी है? तुम लोगों की है. बस काफी है मुझे तो इतना. इतना कुकर बनवाया ना तूने रजत के लिए बना. नहीं ना, मैं क्या हूँ? There you waste the food. Hey, मैं नहीं करती हूँ. मटर भी है? अच्छा मटर तो. हाँ हम घर से मटर छील के भी लाए. अरे आंटी ने वैसे पता नहीं क्या क्या डाला था, कीवी. आंटी छिप के डालते ताकि ये मना ना करे, और वो इस बार बैकफायर कर गया. सब पिघल गया था. पिघल नहीं, पिस गया था. यार अंदर बैठना तब क्या, रेस्टोरेंट में खाते, बाहर बैठ के खाओ. रूबी दी को चेयर भी है. चेयर पे बैठो रूबी दी. अभी तक की सबसे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ever outdoors. अच्छा yeah. Do you want to see my chair? Actually ye tune acha kaam kiya hai. ha ha baba
रुबी रजत पता है चॉपस्टिक्स बट रूबी तुम्हारा इतने से बन जाएगा पेट भर जाएगा कैसी है माइंड ब्लोइंग इसके लिए सिर्फ थोड़ी सी दी है बाकी दो हमारी है मेरे लिए बहुत है उतनी क्योंकि मेरे को और भी खाना है ना मिनट रिव्यू मेरा रिव्यू बेशकीमती है क्योंकि मैं सच बताऊंगी सच बताएगी बाकी सब तो झूठी बोल रहे हैं देखो अप्पू जी जो आपके हस्बैंड है उनको सच बोलना मतलब झूठ बोलना पड़ेगा ठीक है और रजत अब बेचारा ऑब्लिगेशन के अंडर बोल रहा होगा कि चलो बना खाले खाले वरना ये भी ले लूंगी ठंडी हो गई एकदम से कुछ कीड़ा ठीक 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 सी बनाई ली नहीं बहुत अच्छी बनी है बड़ी खराब है हाँ गिव इट बैक हो गया बहुत शॉप पूरा गाड़ी में बैठ के खाऊंगी अपना आप भी नेक्स्ट लेवल ठंड लगती हाँ जाओ गाड़ी में गर्म होगा ठीक बोल रहे गाड़ी पड़ी हूँ मैं जाओ अब तुम हो यहाँ की रानी ओके सर उस कुत्ते को देखो पहले यहाँ घूम रहा था ना और चुपचाप से बिना ऐसे लालच किए हुए चला गया बट वो जा रहा है उसको अभी दे देते हैं खाओ खाओ मैं देखता हूँ ओए थोड़ा थोड़ा खा अभी कुत्तों को मिला है बिस्किट और अब वो सामने से और भी कुत्ते आ रहे हैं ऐसा लग रहा है इनको ट्रीट करने होता मिल गया चलो ओए एंड इट इज अ हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स कभी भी कहीं भी कोई भी बाहर जाए हाँ ट ऐसी श्रब थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं दिखती है एंड ओनली thing that actually lives there is the yellow-billed Himalayan coo, which is a bird like a raven with yellow beak. That's it. No touch of human, no bottles around, nothing like, no wrappers. So it is untouched land. Sto Kangri? No. This is a trek, which I can't say where it is because then a lot of people will go there, spoil the beauty. But if somebody is really, really, really keen on doing it, you need to get in touch with me. I'll do your counseling and then I'll let you know where it is. But it's in Spiti. Oh. नहीं नहीं ये नहीं लड़ते हैं एक एक से कुछ नहीं होगा नहीं मैं ये देख रही हूँ कि लड़ने वाले या कैसे नहीं ना एक एक मत दो यार ज्यादा दो ले ले स्नो वाइट नहीं ना ओके ओके यस गुड डर नहीं बाबा ले 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 ये डरता है इज वेरी स्केयर्ड ऑफ ह्यूमंस ओए नो फाइटिंग स्नोई वहां पे आपका एक रह गया वो देखो वो स्नोई इधर इधर ये ले तू ये खा स्नोई आउच चुभने वाला है ये और है क्या ब्रेड है बिस्किट्स भी हैं लाती मैं और लाती हूँ वेट मैं आ रही हूँ तो मैं ये बात बोल रही थी ना कि अपना सारा कचरा एक डस्टबिन बैग बना के उसमें डाला यार क्यों गंदा करना है ना अभी जब हम यहाँ से वाइंड अप करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी एक भी तिनका नहीं दिखेगा यहाँ पे एक और बिस्किट
आ जाओ। सो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही, और अब हम निकलते हैं अपने होटल की तरफ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, हाथ एकदम फ्रीज होने लगे हैं, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। ये गाना शायद आप लोग को आता होगा, सो प्लीज मेरा साथ दें। अच्छा ठीक है, ठीक है। सुन दिए मेरी अम्मा, पूछ दिए, सुन दिए मेरी, तू बड़ी इतनी तो क्या कर हुई, तू बड़ी इतनी तो क्या कर हुई।